नमस्कार। नया साल आने वाला है। नए साल में हर इंसान कुछ न कुछ नया सीखना चाहता है, पुराने साल की कुछ ऐसी गलतियों को छोड़ना चाहता है और नई चीजें कुछ अपनाना चाहता है नए साल में। तो आप इस नए साल में ऐसी पांच बातें अपने जीवन में उतार लें। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर ये पांच बातें आपने अपने जीवन में उतार ली ना, तो आप कभी मात नहीं खाओगे। नंबर वन, टाइम मैनेजमेंट करना सीख लेना। कभी भी टाइम को वेस्ट मत करना नए साल में। किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि अगर आप धन खोते हो ना, तो सिर्फ निर्धन होते हो, लेकिन अगर आपने समय को बर्बाद कर दिया ना, तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। धन को तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन क्या समय को वापस लाया जा सकता है? नहीं। एक एक क्षण, एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो एक सेकंड गुजर जाता है ना, वो एक सेकंड आपकी लाइफ में वापस कभी नहीं आता है। इसलिए नए साल में टाइम को अपना महत्व दें और जितना हो सके समय को कभी भी बर्बाद ना करें। अपने एक एक सेकंड का उपयोग करें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सेकंड, कोई ना कोई स्किल जरूर सीखना। इस नए साल में कुछ ऐसी चीज जरूर सीखना कि आपकी योग्यता को बढ़ाए। बिना योग्यता के, बिना स्किल के कोई भी इंसान कभी आगे नहीं बढ़ाए। बिल गेट्स कंप्यूटर में माहिर थे, उनके पास स्किल थी, कंप्यूटर में एक्सपर्ट थे और आज टॉप के बिजनेसमैन बने। सचिन तेंदुलकर खेल में माहिर थे और क्रिकेट के भगवान कहलाए। राधा कृष्ण दमानी शेयर मार्केट में एक्सपर्ट थे, टॉप के इन्वेस्टर बने और सफल बिजनेसमैन बने। अमिताभ बच्चन अभिनय में माहिर थे और टॉप के इस सदी के महानायक बने और आज अभिनय के क्षेत्र में उनका लोहा माना जाता है। तो हर इंसान में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो कोई ना कोई स्किल अपने अंदर जरूर पैदा करनी होगी आपको। चाहे उसके लिए टाइम लगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो स्किल, जब वो योग्यता आपके अंदर विकसित हो गई ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। अपने अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर पैदा करें इस 2022 में। थर्ड, मीठी वाणी और विनम्रता। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो अपने वाणी में मधुरता लाए और व्यवहार में विनम्रता लाए। जिस इंसान के वाणी में मिठास होना और व्यवहार में विनम्रता होना, वो इंसान कभी पीछे नहीं हटता है। उस इंसान को हमेशा सफलता मिलती है और वो जिन लोगों से मिलता है ना, उन लोगों को अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से अपने वश में कर लेता है। फोर्थ, गुस्सा और अहंकार। जीवन में कभी गुस्सा और अहंकार ना करें। आप कितने ही सफल व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके जीवन में गुस्सा और अहंकार होगा ना, तो आप धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। गुस्सा एक ऐसी चीज है, क्रोध एक ऐसी चीज है ना, जब इंसान क्रोध में होता है ना, तब उसे कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन जब उसका क्रोध शांत होता है ना, तब उसे पता चलता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए क्रोध में इंसान की बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए जीवन में जितना हो सके 2022 में क्रोध को कंट्रोल करें और अपने अंदर जितना भी अहंकार हो, उस अहंकार को दूर करें। अगर आप अपने अंदर अहंकार रखेंगे ना, तो आपके साथ में टीम वर्क खड़ी नहीं होगी और आपको अकेले काम करना पड़ेगा। विदाउट टीम वर्क के आज दिन तक कोई सफल नहीं हुआ है। फिफ्थ, गलती को न दोहराए। गलतियां किससे नहीं होती है, जो काम करता है उससे गलतियां होती है और बिल्कुल डेफिनेटली होगी, लेकिन जब गलती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गलती को दोहराए नहीं। किसी विद्वान ने कहा है कि जो काम करते हैं उससे तो गलती होती है, वरना निठल्लों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही निकल जाती है। आप कोई नया काम करेंगे, डेफिनेटली आपसे गलती होगी,
लेकिन उस गलती को बार बार न दोहराए। अगर आपने उस गलती को बार बार दोहराया ना, तो आप एक मूर्ख व्यक्ति कहलाओगे, आप स्टूपिड कहलाओगे। फर्स्ट बार आप गलती करोगे, कोई भी काम करोगे, तो कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा कि नहीं यार गलती हो जाती है, नया काम किया है गलती हो जाती है। लेकिन उसी गलती को बार बार आप रिपीट करोगे ना, तो आपको मूर्ख कहा जाएगा और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये पांच बातें अपने जीवन में उतार ले नए साल में। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप कभी मात नहीं खाओगे। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।